जय बालाजी महाराज जय। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहना। और बाइक वाली वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आपने कमेंट करके नहीं बताया। और क्या वीडियो बहुत छोटी बनी थी क्योंकि उस दिन टाइम ही नहीं था हमारे पास ज़्यादा। चलिए छोटी बनी थोड़ी वीडियो, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमको 6 बजे निकलना था, 7:30 बज चुके हैं। और एक हमारे साथ आज न्यू फ्रेंड भी आया था, वो तो वेट करके चले गया हमारा लोकेशन पे जहाँ हमको मिलना था। अब चलते हैं आदर्श भाई के पास और राइड को कंटिन्यू करते हैं। आदर्श भाई भी आज शायद पहुँचे नहीं होंगे लोकेशन पे। ओहो वेट कर रहे हैं आदर्श भाई तो अपना। जय हो बालाजी महाराज जय हो। ओहो वीडियो खराब होगा तो, और ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा लेट होने में। और आज तो क्या है, किसी की भी गलती नहीं, दोनों की नींद नहीं खुली आज तो, ना आदर्श भाई की खुली ना मेरी, दोनों में से कोई नहीं उठा जल्दी। आदर्श भाई ने फ्यूल ले लिया है, अपनी में तो क्या है पहले से ही था। और वो अपन चलते हैं मनोज भाई के पास। अभी तो बैटमैन को धीरे धीरे लगे मज़ा नहीं आ रहा इतना, फर्स्ट सर्विस होने के बाद मज़ा आएगा थोड़ा चला के, क्योंकि स्पीड में भी चला सकते हैं फिर तो। ओ ये अंकल जी बड़ी वाले जरूरी है वैक्सीन की दोनों डोज। आज तो बैटमैन भी बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रही है, वीडियो के बाद में इसको वॉश करवाएंगे आज, क्योंकि गंदी हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा, डस्ट में हो रही है ये। पूरा KTM ही KTM का वो रश, आज KTM वाले क्या मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? GoPro तो किसी ने नहीं लगा रखा था। पूरी KTM ही KTM की बाइक थी वहाँ पे, वो भी राइड पे जा रहे होंगे कहीं। सब मनोज भाई के पास पहुंचने वाले हैं क्योंकि वो हमसे क्या है थोड़ा दूर थे, अल्बर्ट हॉल पे हमारा वेट कर रहे थे वो। जैसे आपको पिछली वीडियो में दिखाया था अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, तो उसी लोकेशन पे वो हमारा वेट कर रहे थे। सीधा क्या? नहीं नहीं किसने बोला? तो उसको फोन करके बुला लेंगे इस तरफ, तो एक बार देख लेते हैं किधर से चले, नहीं तो फिर उसी रोड से चलता सीधा। चल क्या है, ये गेट बंद था गाइस, तो अब हम दूसरे गेट से जा रहे हैं, बहुत घूम के जाना पड़ता है दूसरे वाले गेट से। नहीं सुबह बंद क्यों रखते हैं गेट को, मुझे नहीं यार।
एरिया में इसके किलोमीटर भी जल्दी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सर्विस 500 से 700 किलोमीटर के बीच में करानी होती है, अब वो किलोमीटर भी बहुत देर में होंगे, बहुत टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि धीरे की धीरे धीरे में होते नहीं है, कहीं दूर जा भी नहीं सकते अभी, क्योंकि स्पीड में चला नहीं सकते बाइक को, ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते। और सर्विस होने के बाद में जाया करेंगे बाहर अब तो, क्योंकि दोनों के पास अच्छी बाइकें हो गई है। अपन तो नहीं निकालेंगे क्योंकि यादगार सामने ही है, फिर पता नहीं कैमरे लग रहे हो। वैसे तो अभी नंबर प्लेट नहीं आई है, फिर भी नहीं, रूल नहीं तोड़ेंगे। अभी अपन कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहते कि नई न्यू बाइक में कुछ प्रॉब्लम आए ऐसी चालान वगैरह किसी भी चीज़ की, तो अभी अपन ऐसा रिक्स लेंगे ही नहीं। आदर्श भाई कहाँ गायब हो गए? अच्छा, मनोज भाई का वेट कर रहे हैं वो तो। अब तो रेड लाइट क्रॉस करेंगे क्योंकि अपने पास नंबर प्लेट भी नहीं है। ये आ चुके हैं अपने मनोज भाई, यही वेट कर रहे थे तुम्हारा। ये हमारा सुबह 6 बजे से वेट कर रहे थे। चलो चलते हैं, राइड कंटिन्यू करते हैं। अपने मनोज भाई भी आ चुके हैं। आठ बजने वाले हैं और क्राउड स्टार्ट हो गया है अब, क्योंकि मैन सिटी का एरिया आ चुका है। ये वाली रोड क्या है, जयपुर में भी एंटर करते तो इसी रोड से करते हैं अपन, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ रहती ही है सुबह। आदर्श भाई को देखो, ये अपने मनोज भाई का आ रहे हैं। ओह वो मनोज भाई तो जैकेट वैकेट पहन कर आए हैं। कोई नहीं, इतनी सर्दी है नहीं, आते वक्त गर्मी लगेगी इनको। ये देखो मनोज भाई को जैकेट वैकेट पहन के निकले। ये देखो आदर्श भाई को पूरे रूल तोड़ता है सुबह, ना इसको कोई रेड लाइट से मतलब है ना कुछ, क्योंकि पुलिस वाले रहते नहीं है, पर इनको पता नहीं है कि कैमरे लगे हुए हैं रेड लाइटों पे। पूरे नियम फॉलो नहीं करते, ये रूल फॉलो नहीं करते। और ये भी इनकी दूसरी बाइक से होते हैं, सी टी एन रेड से, तो ये दिन में रूल फॉलो नहीं करते, बहुत ही गोलीबाज इंसान है। ये देख रहे हो कुछ भैया, कुछ चारों इंडिकेटरों को देख रहे हो? हाँ हेलमेट, अरे हेलमेट तो सही है, जैकेट वैकेट पहन के आया भाई, देख गर्मी लगेगी इसको। और जयपुर में जो अपन आगरा हाईवे से आते हैं, तो जहाँ से एंटर होते हैं ना टनल के लिए, वैसे उसमें क्या है बाइकों की एंट्री है नहीं, पर अभी मॉर्निंग में तो कोई मिलेगा नहीं इतना जल्दी, 8 बजे तो अभी अपन तो वहीं से चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं टनल में। और भी बाइक वाले जाते हैं,
ये तो वैसे इसमें अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं अपने को, रोक लेते हैं, तो 1000 रुपीज़ का चालान है। देखते हैं अभी यहाँ पे मिलेंगे नहीं, वैसे तो मिलते हैं तो देखते हैं। फाइनल स्टार्ट हो चुका है। इसमें ब्रेक बहुत दी, ब्रेकर बहुत है। और इसमें क्या है, स्पीड वाले कैमरे भी लगे हुए हैं अंदर। तो वैसे तो इसमें लाइट है नहीं इतनी जिससे नंबर प्लेट नंबर क्लियर दिख सकें कैमरे में, फिर भी अगर किसी के क्लियर आ जाते हैं तो ऑनलाइन चालान आ सकता है। जैसे बाइकों का भी आ ही जाता है इसमें। ये देखो मनोज भाई भी अपने रॉकेट होते हुए। ये देखो 40 की स्पीड का दिख रहा होगा आपको सामने, इसमें मिनिमम 40 की स्पीड है। ये अच्छा बनाया टनल। ये देखो टनल के बाहर की लोकेशन। नहीं अच्छा व्यू आता है बहुत यहाँ पे। ऊपर कुछ बना हुआ भी है, पता नहीं क्या बना हुआ है, कभी गया नहीं मैं इसके ऊपर। देखो दोनों तरफ ये तो मिट्टी हुई, मिट्टी वाला पहाड़ है, बिल्कुल मिट्टी है इसमें तो। सामने देखो अरे गाड़ी शानदार। अभी तो क्या है इसकी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी ना, उसके बाद और ही मजा आएगा, क्योंकि अभी तो क्या है स्पीड में नहीं चला सकते। वैसे बहुत ही अच्छी चल रही है, और अभी तो क्या है इसका ये हैंडल भी बहुत ऊपर दे दिया, उससे तो ज्यादा ऐसे नहीं होना पड़ रहा है इसमें। हाँ मेरा क्या उसमें हाथ दर्द करता है ज्यादा दूर चलाने में, इसमें हाथ दर्द नहीं कर रहा मेरा। जीजे राइडर अपने आदर्श भाई को जंगल वाला एरिया बहुत ही ज्यादा पसंद है। किसी दिन इनके पास शेर बाघ वगैरह आ जाएंगे ना, तब इनको पता चलेगा जंगल का एरिया कैसा होता है। इनको जंगल का एरिया बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। किसी दिन जंगल में अगर बाघ शेर वगैरह कोई आ गया ना, तब पता चलेगा जंगल का एरिया कैसा होता है। इसमें ना आपको आज की लोकेशन तो अपनी बता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं आज। आज हम जा रहे हैं कानोता डैम, जो है आगरा हाईवे पे। मतलब है तो अंदर कानोता गांव में, मतलब आगरा हाईवे से ही जाना पड़ता है इसमें। अपने वो आदर्श भाई लेके चल रहे, पता नहीं कहाँ के लेके चलेंगे, और मेरे को पता है कि इनको याद है नहीं, क्योंकि बहुत दिन पहले आए थे हम, 2 साल पहले आए थे यहाँ पे, तो मेरे को पता है इनको याद नहीं होगा रास्ता। और ये अभी आगे जाके देखना, ऐसे बोलेंगे मैं फ़ोन करूँ। अपने मनोज भाई लेके चल रहे हैं, आदर्श भाई तो यहीं तक फेल हो चुके हैं। ये तो बोल दिया मैप स्टार्ट कर लो, और वहां से तो ऐसे बोले अरे मैं जानता हूँ मैं ले चलूंगा।
वैसे गाइस किसी को याद नहीं रहता, देखो 2-3 साल पहले आए हुए लोकेशन की किसको याद रहेगी ऐसे रोड कि किधर होके गए थे अपन, किधर होके नहीं गए, क्योंकि बहुत चेंजेस हो जाते हैं। अब यहाँ से मैं गाइड करूँगा, मतलब 2 जने तो फेल हो चुके हैं, अपन पहुँचाएंगे। अपने मनोज भाई मैप से भी कंफ्यूज हो चुके हैं। आदर्श भाई तो पहले ही बोल चुके थे कि मैप ऑन कर लो। और आओ, एक तो क्या है, लोकल आदमी से पूछना सही रहता है। कानों तो बांध के इधर से जा रहा ना रास्ता, सीधे ना आगे से राइट है ना। क्या हो? हाँ वीडियो बन रही है अंकल। हाँ ठीक है, थैंक यू अंकल। कुछ ही नहीं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं हम तो, संडे को सुबह सुबह राइड पे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं। हाँ ये देखो अपने मनोज भाई को फुल मैप से बता रहे हैं, लोकेशन ऑन कर रखी है इन्होंने। और ये तो अपने फुद्दू काटता है। कानों तो बांध, धन्यवाद भैया। अब आदर्श भाई की तो क्या पुरानी हो चुकी है और सर्विस हो चुकी है, तो ये तो खींचेंगे भैया। और अपने को बोल रहे कि लो खींचो। फाइनली गाइस हम लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, लोकल बंदों की मदद से पहुंचेंगे अब, क्योंकि हमको तो याद था नहीं, क्योंकि मैं तो एक ही बार आया हूँ, पहले 2-3 साल हो चुके हैं, तो मेरे को तो याद ही नहीं था रास्ता कि किधर होके जाना है। आदर्श भाई आ जाना, उस गेट से अंदर ही पहुंचाएंगे बाइक को, मेरे को पता है। और ये देखो बारिशों से क्या होता है, बारिश आने में पूरा देखो, मतलब और भी लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे, संडे है ना आज। ये देखो ऊपर ले गए आदर्श भाई तो बाइक को, ये देखो सामने से, ओ पास में लेके जाएंगे, मतलब देख रहा है गाइस आपको सामने पानी, और बिल्कुल पास में लेके चलते हैं। अब चलते हैं वापस ऊपर, क्योंकि आगे से है ही नहीं रास्ता, क्योंकि यहाँ पे पानी बिल्कुल पास में आ चुका है, ऊपर से दिखाएंगे आपको। पहले यहाँ तक ही पानी था पूरा, अब वो क्या है धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा अब आगे से आगे है पानी। चलो इधर से दिखाते हैं, आदर्श भाई अपने आना जगह जगह निकाल लेते हैं, रोड कहीं से भी बना लेते हैं। ये डैम ही है, नाम का डैम है तो, इससे अच्छा तो नेवटा वाला ही सही है। हाँ नहीं नेटो वाले में लेकिन पानी नहीं ना, जाने की जगह नहीं ना, तो मजा तो इसमें भी आ जाता है। क्यों मनोज जी अच्छा लग रहा है, यहाँ से बढ़िया लग रहा है। हाँ वही तो, जाने की जगह नहीं है तो। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, कानोता डैम। अब ये डैम में पानी तो है नहीं, देखो कितना कम पानी है, झूठे आगे दिखाया ना, पानी हो रहा, पानी है, पानी पहले वहाँ तक था, वहाँ से खड़े होके लोग देखते थे, सामने देखो आप, वहाँ से देखते थे, पानी कम हो चुका। मैं बहुत साल पहले आया था जब पानी यहाँ तक था। वैसे कोई नहीं, वापस अभी बारिश का मौसम होगा तो वैसे ही पानी भर जाएगा ज़्यादा। अब आपको एक भाई साहब यहाँ पे बोट में घूम रहे थे, वो दिखाते हैं आपको, कहाँ गए वो भाई साहब, वो देखो सामने दिखेंगे आपको। ये देखो वोटिंग कर रहे हैं भाई साहब,
ऐसे इसमें पानी आगे तक तो बहुत है, ये देखो ज़्यादा कम भी नहीं है पानी, और पहले क्या है वहाँ तक पानी होता था आगे तक, धीरे धीरे कम होता जा रहा है पानी यहाँ पे। गाइस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लोकेशन कैसी लगी है आपको, व्यू कैसे लगे हैं और डैम कैसा लगा है आपको, ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहो, बाय बाय।